सो हमने एक फाइल टेम्पलेट, हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया और अब हमने क्या किया, उस टेम्पलेट को एज अ यानी वीएस कोड के अंदर हमने उसको ओपन कर लिया। इस टेम्पलेट के अंदर ना अब क्या करो, इस टेम्पलेट में ये बॉडी से पहले का जो सारा काम है ना, ठीक है, यानी बॉडी के टैग के, बॉडी के टैग तक ये सब उठा लो यहाँ से, कंट्रोल सी, और विजुअल स्टूडियो के अपनी एप्लीकेशन में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये एट द रेट रेंडर बॉडी, इससे पहले पहले लिखते हैं, इसके बाद क्या करो, ये जो बॉडी के बाद का सारा टैग है, ये यहां से लेकर और बॉडी के एंड तक, और माउस से करें तो ज्यादा बेहतर है, अब कहां तक उठाना है, ये जो लिंक की है ना फाइल्स, इनको नहीं उठाना हमने, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आखिरी डेफ तक, ये जो लिंक फाइल्स है इनको नहीं उठाना है, सही है, इस बात को याद रखें। और कहां लेके जाना है इसको, अपना जो व्यू है ना हमारा, कहां है व्यू, ये रहा होम के अंदर इंडेक्स, यहां ले जाके इनको पेस्ट कर देना। फिर लेआउट में क्या करें, लेआउट में जाए और ये सारी जो लिंक फाइल है, ये हेडर फाइल्स कहलाती है ना हमारे प्रोजेक्ट की, तो हमने क्या किया, ये पूरा उठाया डेटा और यहाँ तक का सारा डेटा कॉपी किया और किस में ले जाके रख दिया हमने, लेआउट में, कहाँ पे, ये एट द रेट रेंडर बॉडी के बाद का जो जितना भी डेटा था ना, इसकी जगह पे ले जाके, ठीक है। अब यहाँ का कुछ इशू है, ये क्या करता है, आपका जो सारा मटेरियल होता है ना, जो आपने लिंक किए हुए हैं, लेट से आपका फेविकॉम आइकन है जो ऊपर टैब पे लगा हुआ है, वो सब कुछ आपके हेडर में सेट होता है, हेड के टैग में, और आपके बॉडी के या फुटर में जो ना वो कुछ ऐसा सेट नहीं होता जो कि अलग अलग पेज में ना हो। अच्छा, और क्या क्या होता है, और ये चीजें होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करनी है तो पूरी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट की वो फाइल्स लिंक होनी चाहिए ना, है ना, तो आप क्या करते हो, सबको लेआउट में कर देते हो। लेआउट क्या होता है, शेयर्ड होता है अक्रॉस ऑल योर वेबसाइट, अक्रॉस ऑल द पेजेस, लेआउट क्या होता है, शेयर्ड होता है, यानी हर वेब, हर पेज आपकी वेबसाइट क्या क्या कर रहा होगा, लेआउट को फॉलो कर रहा होगा, वो लेआउट को फॉलो करना। लेआउट के अंदर सिर्फ लिंक्स या हेडर की फाइल्स हैं, इस तरह की चीजें रखनी है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एचआरएफ वेंडर के अंदर क्या है हमारे पास, फाउंड ऑसम फ्री, फिर सीएस और पर मल्टीपल चीजें। हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा यहाँ पे सेटअप करना है, वेंडर का है ये रहा, है ना वेंडर, विजुअल स्टूडियो में, ताकि मैसअप ना हो सब कुछ, कंटेंट का जो ये फोल्डर है ना, अब इसकी जरूरत पड़ रही है, इसको करें ओपन, ठीक है, इसको यहाँ पे करके रखें सेलेक्ट, सेलेक्ट करके रखा, ये वेंडर उठाया, कहाँ ले जाके छोड़ना है, कंटेंट के ऊपर, कंटेंट के अंदर क्या स्टोर हो गया अभी, वेंडर, अब लेट सी, वेंडर वेंडर ये फोल्डर है जो कि बेसिकली ना लेकिन अब मसला यह है कि आप क्या करेंगे, वेंडर से पहले बस एक छोटा सा टाइम, ये रूट स्लैश स्लैश और ये सब कॉपी करना है, पूरी वेबसाइट में भी बहुत जगह लगाना है, ये बात याद रखें, जहां जहां हमने वेंडर है ना, जहां जहां स्लैश से पहले वेंडर है, ये देखें वेंडर है ना, ये हाँ हो जाती हैं, बिल्कुल कर सकते हो, अब एक इशू आ रहा है, एक तो मामला कंटेंट का सेट हो गया ना, है ना, अब एग्जीक्यूट करके देखो यहाँ इस स्टेज के ऊपर कर लें, कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है हमारे लिए,
इससे पहले हम ये चीज तो नोटिस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर HTML CSS टाइप कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल भी होती है और बिल्कुल सही चल रही होती है। देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या जावास्क्रिप्ट अप्लाई होकर आती है, क्या CSS या आइकन्स कुछ, क्या क्या हमारा जो फायबैक है वो लगा हुआ आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता। लेट्स सी क्या कर रहा हूँ। ये देखो आइकन तो पहले आ तो रहे हैं, और क्या चाहिए, आइकन पहले आ रहे हैं ना ये कुछ, ये कैसे आ रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट या सीएसएस हमने लिंक किया उसकी वजह से आ रहे हैं। अब हमें जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है, जावास्क्रिप्ट लिंक करेंगे तो काफी हद तक सीन अच्छा हो जाएगा, अभी सब सब आएगा फिक्र ना करो। अब जावास्क्रिप्ट हम किसमें लाके रखेंगे, किस पर आके रखेंगे, नहीं बिल्कुल, और उस फोल्डर का नाम होगा क्या नाम होगा इसका, स्क्रिप्ट। फोल्डर सेलेक्टेड है, जेएस का फोल्डर उठाएं यहां से, किस पे लाके छोड़ दें, स्क्रिप्ट के ऊपर, क्या स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट आ गई, बिल्कुल आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कहाँ का है स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या कर देना है हमने, देखो स्क्रिप्ट के अंदर जेएस फाइल नेविगेट होती जा रही है ना, इसका मतलब इसको मिलती जा रही है, इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। बस जहां आपसे ये ना हो ना, आपको लगे कि यार ये तो फाइल इसको मिल नहीं रही है, कोई मसला आ रहा है, कोई कोई बग है, कोई एरर है, आप समझ जाओ कि आपने ये गलती की है। नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं क्यों कह रहे, देख रहे हो पहले से कुछ बेहतर हो गई है। अब जो चीजें रह गई हैं वो यहां तो नहीं रहती, वो कहां रहती हैं, वो यहां रहती हैं, यहां पे भी करना पड़ेगा। बस यहां करने के लिए कितना टाइम लगता है, इतना, लेकिन हाँ यहाँ का भी मुश्किल नहीं है, एक मरतबा चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल वेंडर का सीन करते हैं, ठीक है, तो हम सर्च करते हैं F, JS, slash. देखते हैं कहाँ कहाँ पे JS को तलाश किया गया है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ वेंडर को तलाश किया गया, क्योंकि वेंडर को जहाँ जहाँ तलाश किया गया होगा ना, वहां पर हमें क्या लगाना होगा, ये कॉन्टेंट स्लैश वेंडर, ऐसे ही है ना, ये पूरा कीवर्ड वहां हमने लिखा है, क्योंकि वेंडर तो एक ही है हमारा। तो नहीं मिला, लेकिन चलें देखते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें क्लू देगा, हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली एसेट्स या इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। क्लास सेंटर, क्लास सही,
ये जो इमेजेस वगैरह होती है ना, इसकी हमें काम में आती है। तो ये देखो क्या लिखा भाई, ये कैसे होगा, ये देखते हैं। यूटिलिटीज कलर डॉट एच टी एम एल है कोई फाइल? दिख रहा है? अब क्या करना है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको क्या लगता है कहाँ रखें, कंटेंट के अंदर? नहीं, कौन क्या है, सीएसएस की फाइल है, एचटीएमएल की फाइल है, एचटीएमएल की फाइल है। देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये सेक्शन है पूरा इसके अंदर। अब ये सेक्शन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के, लेट से UI components, क्या होगा इसका, फाइल्स कौन कौन सी हमें चाहिए थी, ये वाली चाहिए थी, यूटिलिटीज की सारी फाइल्स चाहिए हमें। इसमें लाके रख देंगे यूआई कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से जादू किया ये। अरे यार, तुम लोगों को पहले बताया था ना ये, कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अपने हिसाब से कोई सिलेक्शन बनानी, तो शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्रेस करो, और उसके बाद ना इसको इस तरह से लेके चलो, ये तुम अपने तुम्हारे हिसाब से रेखे बनती जाएगी डायगनली जी, और फिर उसके बाद आपने कर्सर को यूज करते हुए करोगे तो इस तरह हो जाएगी। ये लिंक्ड हो गई ना फाइल सारी, एचरेफ। अब जहां जहां एचरेफ है ना, उसको कैटर करना है हमने, ठीक है। तो ये लॉग इन डॉट एच टी एम एल, लॉग इन डॉट एच टी एम एल, लॉग इन डॉट एच टी एम एल, उठाते हैं इसको यहाँ पे, कहाँ लेके जाएंगे इसको, क्या कर देना है यहाँ पर, ये उठाया हमने इसको, और इसको कॉपी कर लो। रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, कहाँ फेंकोगे, कहाँ फेंकेंगे इसको, फिर है फॉरगॉट पासवर्ड डॉट एच टी एम एल। अरे कितने कितने हैं, लिंक करते जाएं, फिर है 404, तो 404 एरर भी उठाया। फिर है ब्लैंक, ब्लैंक भी उठाया, और
कर दिया हमने यूआई के कंपोनेंट्स में, ऐसे ही रैंडम चलते हैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सैटरडे को नहीं, शायद सेंटर ही ऑफिस सैटरडे को जी, अगर सेंटर ऑन होगा तो क्लास होगी, अगर सेंटर ऑफ होगा तो क्लास नहीं होगी। बस आ गया आप, हम लोग पाकिस्तानी है कभी भी मना लेते हैं। ये चीज टेबल्स वैसे यूआई के कंपोनेंट्स में क्यों रख रहा हूँ मैं, व्यू में क्यों नहीं रख रहा हूँ? अरे अच्छा लगने की वजह नहीं है, जबरदस्त शाबाश, ऐसा बहुत आगे जाएंगे आप। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, रीजन ये है यूआई के कंपोनेंट्स को मैंने अलग फोल्डर इसलिए बनाए क्योंकि मैं अगर इसे व्यूज में लेके जाऊंगा ना तो वो व्यूज मैं बना रहा हूँ किसके थ्रू, मैं अपने कंट्रोलर एक्शन मेथड के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ उन मेन जो मेन व्यूज का फोल्डर है ना उसके अंदर जो होम अबाउट के सारे व्यूज बन रहे होते हैं उसके अंदर ना रखूँ और मेन व्यू में रखूँ तो ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैंने इनको जो है ना वो ऐसी किसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट बने किसी और फाइल के साथ, बस इस बात का ख्याल रखना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिल दिल की वजह से नहीं कर रहा आपने, ये बस मेरा दिल किया तो मैंने कर दिया। HREF एक मिनट, का इंडेक्स अब क्या लिंक दूं यहां पर, यहां पे तो इंडेक्स तो है ही नहीं ना मेरे पास, स्लैश व्यूज स्लैश क्या ऐसा ही होगा, पक्का ऐसा होगा। ये कह रहे हो मुदाफा क्यों? हम एक एंकर को अपने किस पर भेजना चाह रहे हैं, अपने इंडेक्स वाले पेज पर, एमवीसी की एप्लीकेशन से व्यूज कॉल नहीं होते सही है, क्या कॉल करना पड़ता है कंट्रोलर और उसका एक्शन मेथड स्लैश अब ये तो कर लोगे ना मेरे ख्याल से, ये तो चेंज कर लोगे ना यहाँ पे, ये इतना तो मैंने कर दिया है ठीक है, कुछ ये टूल्स कुछ बचे हैं स्टार्टिंग के, कुछ एचडीएफ के बचे हैं ठीक है। अच्छा सोर्सेज एंड डिफरेंट, लेट्स से अगर तुम्हें सोर्स तलाश करनी है तो सोर्स तलाश करो, तुम ये हर पिक्चर को जैसे तुमने सेट करना है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ये देखो यहाँ पिक्चर आती जा रही है डिफरेंट, ये देखो दिख रही है अलग अलग पिक्चर आ रही है ठीक है, तो
अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इमेज का फोल्डर चाहिए, ये रहा इमेज का फोल्डर, कहां पे ले जाके रखना है मैंने इसको, कंटेंट, कंटेंट के अंदर, एग्जैक्टली। ये कंटेंट आ गया, हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। चेंजेस सिर्फ क्या करना है हमने, जहां जहां में लगता है, जहां जहां में लगता है कि पिक्चर आनी है या सोर्स तरह से कैलकुलेट होनी है, वहां वहां क्या कर सकते हैं। हाँ ना, खुद सोचो कितना नुकसान कर दिया। नहीं बेटा, तुम सब लोग मेरे लिए एक ही जैसे हो। वो बात नहीं, सारी इमेजेस पे लग गया है। अब देख लेते हैं अब क्या हो गया। अब कुछ एटलीस्ट है ना, कुछ डिफरेंस आया होगा व्यू के ऊपर, पिक्चर इस तरह की जो चीजें है ना वो एटलीस्ट चेंज हो गई होंगी। तो हाँ, फिर आप क्या चाह रहे हैं, खुद हो जाएगा यार। ऐसा नहीं होता भाई, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी तो हमने बूटस्ट्रैप वगैरह भी ऐसा कुछ खास लिंक नहीं कराया है, बूटस्ट्रैप को भी आपको लिंक कराना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक दिन में हो जाता है, ये देखें। अभी तो मैंने सीएसएस भी लिंक नहीं की हुई है, मैं सीएसएस लाके रखता हूँ जरा, सीएसएस भी कंटेंट में ही आएगी, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा करने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक और चीज है जो कि मेरी CSS, यहाँ पे भी लिखना है, देखो CSS आ गई। अगर कुछ रह गया तो उसको भी लिंक कर लो, ये JS के थ्रू करना है। अब देख लेते हैं जी, इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होगी। टाइम क्या हो रहा है, देख लें सही। Yes. एलिमेंट चेंज कर देना,
अरे क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं होगी यार? ये देख लें, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पूरी सही है ना? क्या चीज, क्या ब्लैक होता है? मैंने क्रोम की थीम सेट की है ब्लैक। ये देखें, देख लें भाई, सारे एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल लिंक्ड हैं। अब ये पेज जो है ना कनेक्टेड नहीं है, इसकी सीएसएस भी ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी। जब मैं पेज कनेक्ट करूंगा, ऐसे सीएसएस अप्लाई करूंगा तो ये पेज भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा ऐसा करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर सब लोग जब आएंगे तो मुझे अपने ये सारे पेजेस अप्लाई करके लाके दिखाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन वो लेकर आएंगे जिसके अंदर सब कुछ अप्लाइड होगा कॉन्टेंट।